सारे जने ना एक चीज बताइयो एवे गिल्ला पाऊंगा है कपड़ा फिर बैठी है सबकी सबकी देखो खाना खा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम हो गया और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ भैंसों के पास से। ठीक है जड़न वाले जलते रहो और इंजॉय लेने वाले गांव वाले सारे इंजॉय लो बढ़िया। ठीक है ये जाऊंगी बाहर गोबर गाबर के रखाऊंगी। आप किस जाओ ट्रैक्टर पे है? खेत में जाओगे की? खेत में बाल लगा के आऊंगा। ओहो दिखे शक्ल खेत में जा रही देख लो भाई मारी बागवानी चाल रही है। के तोड़ लिए दिखाओ ये तोड़ लिए भाई टमाटर देसी टमाटर करके और ये क्या है पत्ता किस चीज का है? जो लाल टमाटर हो ये वो है पालक। अच्छा पालक इतनी बड़ी बड़ी तो भाई ये पालक है। मम्मी ने कही थी जो लाल टमाटर हो ना वो तोड़ लिए तो मैंने तो तीन दिखा आपने दिखा है और लाल तो रहे पर लाल आ रहे हैं बाकी के फिर सारे के सारे और नहीं है कोई भी। हाँ तो सारे बाकी हरे टमाटर है भाई ये देख लो हरे 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 कर लिया। आज बनेगी क्या बनेगी? कढ़ी पालक। अच्छा पकौड़ा बनाएंगे पालक। अच्छा। बनाएंगे वो पूछ लेंगे तो कढ़ी पकौड़ा बोलते हैं ना। कढ़ी पकौड़ा ही बनती है वैसे कढ़ी पालक तो नहीं बनती। पालक तो हमने सुनी नहीं आज तक। दाल पालक बनती है। हाँ पकौड़ा ही बनाएंगे और तो बस भिंडी थोड़ी है नहीं तो भिंडी भी बना लेते। भिंडी के गिनती के पीस ही 10 है सारे। तो गाइस आप लोगों को पता है कि अभी जमाना कितना चेंज हो चुका है टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ऐसी चीज जो कि हर मतलब हर फैमिली में इश्यू है इस चीज का। हर कोई आजकल डेंटिस्ट के पास जाता है तो उसके को रोक सकते हो आप किस तरीके से रोक सकते हो वो बताता हूँ कि आप नॉर्मल टूथब्रश को आप रिप्लेस कर सकते हो अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश से। तो मैंने उसके लिए मंगवाया है भाई अगैरो कंपनी का अगैरो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या इसके अंदर मेरे को मिला है और किस तरीके से यूज करता है और क्या क्या चीजें बेनिफिट है इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो ये इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है सुपर सोनिक टेक्नोलॉजी जो कि आपका 40,000 पर मिनट स्ट्रोक आते हैं इसके अंदर टूथब्रश में जिससे आपके जो अंदर तक के भी डीप क्लीन करने के लिए जो दांतों को चाहिए ना तो अंदर तक भी आपके क्लीन हो जाते हैं इसके अंदर इस टेक्नोलॉजी से। तो भाई इसके साथ में मिले हैं मेरे को ये 5 अलग अलग ड्यूपोंट नायलॉन हेड्स तो इनका भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा हर एक का स्पेसिफिक क्या यूज है। जैसे आप ये देख पा रहे हो इसके अंदर मैं सील अभी खोली नहीं है मैंने तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि किस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो भाई ये है मेरा इलेक्ट्रिक सोनिक टूथब्रश तो मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए बिल्कुल चमत्कारी ब्रश दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसके अंदर ये देखो यहाँ पे अलग अलग मोड्स भी दिए गए हैं वाइट करना है क्लीनिंग करना है आपको सेंसिटिव पॉलिश मसाज करना अगर जैसे अपने मसूड वगैरह जो फूल जाते हैं कई बार उनको मसाज करना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये 5 अलग अलग मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर। मैं बता रहा था आपको इस हेड के बारे में ये अलग अलग तरीके का ये हेड है तो ये है आपके जैसे दो दांतों के बीच में या जो एक्सट्रीम एरिया है जहां पे आपका मतलब नॉर्मल ब्रश काम नहीं कर सकता वहां जाके क्लीन करने के लिए काम आएगा। चलो अब बात करते हैं कि ये चलेगा कैसे इलेक्ट्रिक से चलेगा किस तरीके से चलेगा या कोई सेल डलता है इसका नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ में आती है आपको ये USB पोर्ट आपको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करना है। इसकी बैटरी लाइफ अगर नॉर्मली आप यूज करते हो जैसे 2 मिनट भी आप यूज करते हो पर डे तो आप 25 डेज तक इसकी बैटरी लाइफ है ओनली आपको 25 डेज में ये मान लो अप्रोक्स 4 hours के आसपास इसको चार्ज करना है इस USB से तो 25 दिन तक आप निश्चित हो जाओ बैटरी के लिए। तो और एक टेक्नोलॉजी इसमें बड़ी जबरदस्त है कि स्मार्ट टाइमर है इसके अंदर। क्या होता है जैसे आप 30 सेकंड्स तक एक जगह पे अगर ब्रश करते रहे एक एरिया के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाता है कि दूसरे एरिया पे जाओ अब शिफ्ट करो मतलब ब्रश को कि दूसरे एरिया पे शिफ्ट कर दो इसको। साथ में इसके अंदर स्मार्ट मेमोरी है जैसे कि मैंने सेंसिटिव मोड के ऊपर मैंने इस बार यूज किया और जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम अगर यूज करूंगा इसको तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिव मोड पे ही रहेगा। तो मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई बिल्कुल वाटरप्रूफ है तो इस चीज का मत डरना कि बाथरूम में यूज करते हो आप तो पानी लगेगा ये लगेगा नहीं IPX7 टेक्नोलॉजी के साथ में तो वाटरप्रूफ है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बढ़िया सा केज दिया गया है इसके साथ में ये देख सकते हो आप मैग्नेटिक केज है तो ट्रैवल वगैरह करने के लिए भी बहुत ईजी है ट्रैवल में भी आप लेके जा सकते हो इसको। और साथ में अलग अलग ये 5 हेड्स दिए गए हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया तो भाई जिसको भी चाहिए मैं यूज करने वाला हूँ इसको मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। जिसको भी चाहिए जिस भाई को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे है बट इफेक्टिव बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मतलब नॉर्मल ब्रश जिन एरिया में जा नहीं सकता ना वहां जाके भी आप बहुत
नॉर्मली इससे क्लीनिंग कर सकते हो। तो चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मली क्या करना है आपको, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, इस तरीके से आप इसको हेड को लेके जाओगे और जस्ट थोड़ा सा रोटेट करना है। तो ये देखो ये रेडी हो गया। तो मैं यहाँ से मोड सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरे को किस मोड पे करना है। जैसे मैंने मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मसाज का, कि मेरे को मसाज करनी है इससे। तो ये मसाज मोड पे आ गया और तो अलग अलग आप यूज कर सकते हो। जैसे पॉलिशिंग का भी है और वो भी है, और एक जगह पे रखने से ना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आप नॉर्मली दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना पड़ेगा मतलब। तो चलो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो भाई जिसको भी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं आप मेरे नॉर्मल व्लॉग्स के अंदर देख लेना, मेरे पास हर व्लॉग में मैं यही कैरी करते हुए मिलूंगा आपको। जहां भी ट्रैवल करूंगा या घर पे भी यूज करूंगा तो मैं यही यूज करने वाला हूं एगेरो का। जो इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है ना, वो 1 ईयर की वारंटी आती है भाई। तो जल्दी से जाओ परचेज करो और कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। भाई जैसा कि मैंने बोला था, मैं और मम्मी जाऊंगे गोबरगढ़, तो भी जाऊंगी। चलो गोबरगढ़, लहसुन छिल रहा है, ताई जी आई हुई है इधर, गोबर की हिल तैयार हो गई है। अब लेके जाऊंगी तीनों जनी, मैं मम्मी और प्रियंका। और लेट हो गई काफी आज ना, है सारे जने ना। एक चीज बताइयो कि मम्मी यूं बोलने लग रही है कि ना भैंस की, भैंस के गोबर में क्या बदबू आवे है। आपका बेटा उतार दे से, ये मैं तो सुना गोडी पे किसने दब दी, तो चल पढ़िया तीनों चने के कमा का होगी प्रियंका। आज नई जगह दिखाएंगे आप लोगों को, आज खेत में जा रहे हैं हम लोग। तो न्यू किन्यू खेत में ही गिर दिया गोबर, मैं ले आई जानबूझ के, परान चलता हूं तो लेट हो गया, खाद बन जाएगी इसकी, खाद बन जाए खेत अपने से। और ये उपला खराब हुआ, दो परा उपला ये अपने हैं, हां उड़े से गिर दे तिरंग का। तो अब हम लेके जाओगे गुस्से घर पे, हैं ये निशुद्धि का पथेड़ा ही देख लो, बड़े बड़े सारे मम्मी का पथेड़ा, छोटे छोटे मम्मी का, ये पहचान है तने? हाँ वो इतना बड़ा बड़ा है पथेड़ा दे। और उधर तो मम्मी के करे, मम्मी उधर तो, उधर तो मम्मी तोड़ेगी ईंधन है भाई, बाजरा की रोटी यार। ये तो एवी है पूरे, एवी जिल्ला पाऊंगा है, देख एक बार आप लगा के ना, है ना मट्टी तो हो रही। ये तो भाई बड़े वोट से मैं और प्रियंका दोनों मुझे लेने लाग रहे हैं। ये शायद मम्मी दुरानी जेठानी है, इनकी लड़ाई मच रही है आपस में। ये देखो सुनाओ सुनाओ मम्मी दो चार और दौड़ी आवन से दौड़ी ने पूछ लिया, और माया की छोरी ने पूछ लिया, हां लावणी करी हो तुम आर लाला से मार की बुन पूछियो कृष्णा ने, और दो चार नाम बताओ मम्मी उनकी बताऊं तू, आर या केसा मुन्नी, मुन्नी की भाण ने, मुन्नी ने हणन लेके जाड़ी बाजरो थो, बाजरा की लावणी करता बाप सुवेदार वाला किला में ऊपर लाम करो न, लड़ाई तो करी ना थी, बात करो। लड़ाई से दादेश रही जाता हो जाती है, जतो है दादेश का गत हो खेत में, ताई का टिंबर जाता गांव अच्छी है, ससु ठेठा। ये आपकी जेठानी लग रही है क्या? हां ए ए के गप्पा तो है इससे कपड़ा रात
हाँ या टेढ़ी मेढ़ी है सही कह है। निकालती ना छिदा छिदा ये मम्मी सीख लेंगे मैं धीरे धीरे करके ठीक है चारी से कि मैं टेढ़ी हो रही सही सारा गिरना से या परंतु वो कौन थो के नाम थो गो हाँ उन फोड़ी थी अच्छा चन फोड़ी थी कतिया देर हो गया आराम ना लेकर देख लो गोस्से ले लिए अरे निकल लिए हाई पर ये है कि 5 मिनट का ही रास्ता है। अरिया मम्मी अरिया प्रियंका चल ले ये वो कसर पहुंच गए घर पर देख और सामने क्या है बड़े पापा ले रहे हैं मम्मी ने एक बॉक्स ही हो जाए या फिर डेली एक्सरसाइज फुल फुल टू फुल बड़े बड़े दादा जी नहलाने की कह रहे बेटा आपको नलकी तो नहलाने की कह रहे बड़े दादा नहाना है क्या लाल दिखाने मिट्टी ये देख कदी दोनों गलूरी लाल हो रही इसके भी भारी मजा बहर बेटा चाचा पैसे ले रहा तू बने सारे ले 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 छीन ले जल्दी ले ले ना देगा तो रोगा भी जल्दी बस खड़ी होनी चाहिए तो भैया बन गई देखो मस्त सी कड़ी चूल्हे के ऊपर खाने का मन था बाजरे की रोटी क्योंकि खाए कई दिन हो गए गोवा जाने से पहले खाई थी तो सोचा ये गर्मी बस खा लेते हैं फिर अगली सर्दियों में खाएंगे सीधा तो कढ़ी बाजरे की रोटी चूल्हे के ऊपर और लस्सी लस्सी से तो लस्सी बस दही भी से हाँ तो दही भी देख लेंगे आज खाएंगे खाना कई दिनों के बाद में रात को हम खाना नहीं खाते हैं नहीं तो यू के मम्मी भी कहती ना देसी ला बांधे है मतलब आधा काम भीतर तो कर लिया आधा उरा कर दिया है भाई कई चक्कर लगाना पड़ता पैर में दर्द है ना उठो पंजा अच्छा तो भाई ये मस्त सलाद कट गया उसमें दूध ये कड़ी और इधर रोने लगी बाजरे की रोटी रेडी स्टडी गो आज और क्या खाने से ये देख लो कर कर आऊंगी और ये है मिर्च ये वाली अचार वाली मिर्चें मिर्चाएं मिर्चा देसी घी कढ़ी मिर्च प्याज और लस्सी साथ में तो भाई आप जो है ना मैं तो फ्री हुई हूँ खिला पिला दिया अब वो 1.5 घंटा अपने चाचा दोरा पापा दोरा और अपने दादा दोरा रुक जाएगा हम आराम से खा पी लेंगे कि मम्मी ने पूरी रात निपटा दिया है सब ने खुआ दी कतरा की रोटी पोई सी बाजरा की कतरा की क्या तरह की रोटी बनाई मम्मी एक तरह की फुल्ली फुल्ली पूरे दो दो को बैठी थे और एक सासी रोटी बोल रहा है इसे बंदन दो और इस सामने एक लड़की पास भी रखी है किस्मत आली से इसी सासी किस्मत आली से किस्मत आली से ये देख लो भाई ये दो तरह रखा देख असलियत ये चल रही है डाइटिंग यहाँ पे बाजरे की रोटी के साथ में ये बात होगी फिर हाँ ये डाइटिंग तोड़ रखी भाई महफिल बैठी है सबकी सबकी देखो खाना खाने में लगे हुए हैं सबके सब लोग दिखा रहा मैं टेंशन वाले करूं ला सो जा सो जा सो जा ब्रू करूं सो जा तो हल्लड़ सा हो इसमें ले देख, 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 फेरो, फेरो, उधर, उधर, चल, चल,
लगा लगा